अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। वाई ओनली डी एंड एफ ब्लॉक, अब ये जो डी और एफ ब्लॉक वाले हैं इन्हीं को हम क्यों ही जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, एस को क्यों नहीं देते या पी जो है उनको क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि चार ब्लॉक है हमारे पास एस पी डी एफ, तो हम सिर्फ डी और एफ को ही जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम क्यों देते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। पहले तो कंडीशन देख लें कि पहले कंडीशन ये है कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, अगर डी है तो डी में जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड होना चाहिए, मतलब कंप्लीट से जो है वो कम होने चाहिए। अगर डी में टोटल 10 है तो इसमें कम से कम 9 तक होने चाहिए। अगर डी 10 वाला है तो वो ट्रांजिशन मेटल्स में नहीं आएगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि जिंक है तो वो ट्रांजिशन मेटल्स में है। वो क्यों है वो हम उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसको हम क्यों इंक्लूड करते हैं इसमें ट्रांजिशन, इवन कि उसका डी जो है वो डी 10 है। और इस तरह F1 से 13 होने चाहिए। अच्छा जी, आगे वाई दे कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अगर आप ये देखें तो मैंने ये एक ऐसे दो लाइनें लगाई हुई हैं और एक साइड पे पी और एक साइड पे एस लिखा हुआ है। ये कोई मैंने वैसे नहीं लिखा, इसका ये समझाने का मकसद है कि इस तरफ पी ब्लॉक है आपका, इस तरफ सॉरी एस ब्लॉक है, इस तरफ पी ब्लॉक है, और जो इन बिटवीन है पीरियोडिक टेबल में उसको हम डी ब्लॉक्स का नाम देते हैं। ओके जी, अब जो डी ब्लॉक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जी, ये बात है इंपॉर्टेंट, जो डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन सिमिलर टू बोथ एस एंड पी, यानी कि इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस से रिलेटेड होती हैं, कुछ पी से रिलेटेड होती हैं, और ये इन बिटवीन ट्रांजिशन, जैसे ट्रांजिशन स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट जिसमें, या ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एक चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है दोनों फॉर्म में। ठीक है, ट्रांजिशन अगर टेम्परेचर का ही आप जहन में रख लें, द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक फॉर्म कैन एग्जिस्ट टुगेदर, जब दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इन सिमिलर वे हम कह सकते हैं कि यह डी का भी ऐसा ही है। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, वो जस्ट मैंने आपको ट्रांजिशन का आइडिया दिया है कि ट्रांजिशन का मतलब क्या है, यानी कि दोनों का अक्स जो है एस की प्रॉपर्टीज का और पी की प्रॉपर्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें डी ब्लॉक में इसमें नज़र आएगा, और इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।